हेलो गाइस, स्वागत है एक और हमारी न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम Redmi Note 13 Pro Plus और Redmi Note 13 Pro की आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाले भी क्या क्या रहने वाला है दोनों स्मार्टफोन के अंदर और क्या नहीं है। दोनों का कंपैरिजन करने से पहले तो गाइस ये फोन भी लॉन्च होने वाला है 4 जनवरी को, यानी 4 जनवरी को ये दोनों ही स्मार्टफोन आ जाएंगे और एक और आएगा Redmi Note 13। तो गाइस चलिए शुरू करें वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर आपको जनवरी में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि Redmi Note 13 Pro Plus और Redmi Note 13 Pro। ये स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं 4 जनवरी के आज दिन ही लॉन्च हो जाएंगे। गाइस दोनों स्मार्टफोन बहुत ही शानदार हैं। यहाँ पर भी Redmi की जो 13 Pro है उसके आप लुक देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 200 MP कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और दूसरी तरफ बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 13 Pro Plus की, ये बहुत ही शानदार फोन है। जो Redmi Note 13 Pro है उसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती है, वहीं पर आपको Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर कर्व डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सभी पर स्पेस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। वहीं पर भी Redmi के जो Note 13 Pro Plus के अंदर आपको वहाँ पर थोड़ी 3 तरह की फ्लैश लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कैमरा बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाता है और कर्व स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है। हर एक डिटेल यहाँ पर जाने तो डायमेंशन आप देखें, वेट 204 ग्राम जो कि Redmi Plus की है, और जो Redmi Note 13 Pro की बात 187 ग्राम। कोरोना ग्लास प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, डोल यानी मेटल फ्रेम यहाँ पर देखने को, एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाती है Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर। नैनोमिन डबल सिम यहाँ पर देखने को, IP68 यहाँ डस्ट वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पर प्लस के अंदर देखने को मिल जाती है। और Redmi Note 13 Pro Plus और Redmi Note 13 Pro की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर भी सभी प्रकार की स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर भी OLED डिस्प्ले दोनों के अंदर देखने मिल जाती है, 120Hz की रिफ्रेश रेट दोनों के अंदर, HDR10 1080 की आप ब्राइटनेस देखने मिल जाती है 6.67 इंच की Pro Plus के अंदर। वहीं पर सेम देखने को मिल जाती है भी डिस्प्ले आपको, कोरोना ग्लास विक्टर्स यहाँ पर दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर और प्रो के अंदर भी। और यहाँ पर आपको दोनों के भाई स्क्रीन भी हमने आपको बता दी है, और यहाँ पर 200 MP का आपको दोनों के अंदर आपको कैमरा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाते हैं, 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड और 2 MP का वहीं पर आपको भी कैमरा में थोड़ा फर्क देखने में जरूर मिलने वाला आपको। डुअल LED फ्लैश लाइट यहाँ पर आपको टोन फ्लैश यहाँ पर HDR देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग मामले तो भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार है, गेमिंग बहुत ही यहाँ पर पिक देख सकते हो जो कि हमने यहाँ पर Redmi Note 13 Pro और Plus के अंदर हमने ली है। साइड में आपको Note 13 Pro की है और राइट में जो आप देख रहे हो कि भी यहाँ पर आपको प्लस की आपको वीडियो यानी कैमरा की पिक देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पर बात एंड्रॉइड तो MI 13 14, यहाँ पर Android 13 चला है, MI 14 मीडिया टेक लेमिनेशन 7200 और वहीं पर Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर क्वालकॉम जो स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्रोसेसर, 67W का अडाप्टर यहाँ पर Redmi Pro के अंदर और Plus के अंदर दोनों की भी चार्जिंग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है 13 Pro Plus के अंदर। यानी आपको यहाँ पर वेरिएंट देख सकते हो भाई प्रो की और प्लस के अंदर, UFS 3.1 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर। वहीं पर आपको Redmi Note 13 Pro के अंदर आप बहुत सारे वेरिएंट भी देखने को मिलने वाले हैं जब ये लॉन्च होंगे। वैसे इंडिया में देखते हुए किस किस वेरिएंट में या 2 वेरिएंट या 3 वेरिएंट में आते हैं देखते हुए बताने के बाद देखने को मिलेगा। IP68 की रेटिंग मिल जाती है Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर, और यहाँ पर आप पानी को देख सकते हो, पानी में अंदर ही आपका फ़ोन बिल्कुल अच्छे से काम करने वाला है। और यहाँ पर प्रो के अंदर आपको ये सब नहीं देखने को मिलने वाला। 16 MP का दोनों के अंदर आपको कैमरा दिया, HDR देखने को मिला, 1080 पिक्सल की वीडियो 30-60 FPS तक की रिकॉर्डिंग आप आराम से कर सकती हो स्मार्टफोन के अंदर। और गाइस बात कर लेते हो और भी बहुत सारे फीचर हैं जो इस फोनों के अंदर वैसे ही इंडिया में आएंगे तो क्या क्या फीचर लेकर आप देखते हो। दोनों के स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 3.5 mm जैक के देखने को मिल जाते हैं, 24 bit 192 Hz ऑडियो देखने को मिल जाते हैं दोनों फ़ोनों के अंदर। यानी आपको कमी थोड़ी थोड़ी देखने को मिल जाती है, वैसे भाई जो क्राउड सकने असली तो भाई यही है। लाउड स्पीकर हमने बता ही दिया था भाई, ब्लूटूथ देखने में जाता है 5.3 यहाँ पर लेटेस्ट देखने में, 5.2 देखने में जाता है, NFC दोनों के अंदर देखने में जाती है, पोर्ट यहाँ पर भाई रेडियो दोनों के अंदर नहीं देखने में जाता, USB-C 2.0 वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
और गाइस बात कर लेते हैं इसकी, जो स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर देखने को मिलते हैं वही बहुत ही अच्छे शानदार हैं, और जो क्राउड स्क्रीन होती है वो असली वही यही क्राउड स्क्रीन है। फिंगर सेंसर आपको दोनों के अंदर डिस्प्ले के ऊपर ही देखने को, एस्टिमेटेड जायस्कोप दोनों अंदर सेम वही सेंसर देखने में, 5000 mAh की बैटरी, 51 mAh की यहाँ पर रेडमी नोट 13 प्रो प्लस की, 120 वोल्ट की यहाँ पर आपको वही चार्जिंग देखने मिल जाती है रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के अंदर, और वहीं पर 67 वोल्ट की यहाँ पर जीलैन का आपको अडेप्टर देखने को मिल जाते हैं। जो असली होता ना, असली में IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, असली भाई क्राउड स्क्रीन यही है जो आप रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के अंदर देख रहे होगे। ये टूटने की मतलब टूटेगी भी नहीं, बहुत सारा मतलब संभल कर रहेगी, ज़्यादा टूटने का डर नहीं रहेगा इस स्क्रीन को। तो गाइस आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है हमें बताना। तो वही आपको इसमें स्मार्टफोन कौन सा अच्छा लगा, दोनों के दोनों हमने बता दी। वैसे भी जो असली क्राउड स्क्रीन होती है ना ये वही रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के अंदर जो साइड की एज में जो क्राउड स्क्रीन दी हुई है क्राउड के अंदर बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि गाइस बहुत सारे जैसे वीवो के फोन होते हैं उसकी स्क्रीन बहुत सारी क्राउड में दी होती है और पड़ते ही फोन टूट जाता, चकनाचूर हो जाता है। लेकिन इसकी वो है भाई आधी स्क्रीन आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसकी जो क्राउड स्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी गई है, मतलब पूरी पूरी भी नहीं है और थोड़ी क्राउड में भी है, जिससे आपका फोन का बचाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है, मतलब पड़ते यानी आपका फोन गिर भी जाए तो फूटेगा नहीं, बहुत ज्यादा बचाव होने वाला है। तो गाइस यहां पर आपको वीडियो कैसी लगी है, हमने एक दोनों कंपैरिजन कर दिया है, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं जाने से पहले एक चीज कहना, लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को हम बहुत मेहनत के साथ बनाते हैं, तो आपसे एक चीज कहना भाई छोटी छोटी डिटेल आपको भी बताते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।